हेलो दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। फ्रेंड, आज आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितना हम आपको वही दिखाएंगे। देखिए, एक तरफ लाइन लगी हुई है दर्शन करने के लिए हनुमानगढ़ी पर, और दूसरी तरफ जा रहे हैं दर्शन करने के लिए प्रभु श्री राम जी का। तो देखिए, पहले यहाँ पर दर्शन करने के लिए देख लीजिए, आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आपको वीडियो दिखाने के लिए। सो भाई साहब, सबसे पहले आप जय बजरंगबली का कमेंट में जरूर करिए। जो कि भाई साहब देखिए, यहाँ पर सामने से आप देखेंगे इस जगह पे, यहाँ से देखेंगे तो आप देखिए सामने से, और दूर तक आप देखेंगे तो देखिए पूरा जाम लगा। जो कि भाई साहब श्रद्धालु दर्शन करने के लिए यहाँ पर देखिए कितना भारी संख्या में देखिए दिख रहा है आपको। कि हम आपको दिखाएंगे सामने से पूरा पास तक जाकर, देखिए सामने से पूरा यहाँ पर देखिए पूरा भाई साहब पूरा देखिए दर्शन करने के लिए प्रभु श्री राम जी का। देखिए कितना भारी संख्या आपको दिख रहा है, जो कि देखिए आज हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के लिए। यह भक्ति पथ है, भक्ति पथ से आप दर्शन करने के लिए जाएंगे। यहाँ से भक्ति पथ से भाई साहब हनुमानगढ़ी दर्शन करने के बाद प्रभु श्री राम जी का दर्शन करेंगे। इसी पथ से आगे जाएंगे थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए पूरा देखिए कि आप श्रद्धालु की संख्या देखिए, श्रद्धालु संख्या कितनी भारी संख्या में भाई साहब देखिए दर्शन करने के लाइन लगी हुई है। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए देखिए कितना देर से भाई साहब सब इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दर्शन करने के लिए प्रभु श्री राम जी के देखिए इसी पथ पे जाते हैं। उसके बाद ये हनुमानगढ़ी सामने यहाँ दर्शन करने के लिए लाइन लगी हुई है। यहाँ पर इस जगह पर देखिए इस तरफ से जो कि सब निकल के आ रहे हैं, जो श्रद्धालु इस तरफ से आ रहे हैं, यहाँ से दर्शन करने के बाद वापस आते हैं इस तरफ से। यहाँ सामने देखेंगे, सामने से आप देख लीजिए पूरा, देखिए कितना लंबा लाइन हम आपको दिखाते हुए ला रहे हैं। और सामने से देखिए यहाँ पर इस जगह पे देखिए, यहाँ पर सब इंतज़ार कर रहे हैं कब उनका नंबर आएगा, कितना जल्दी दर्शन करने को पाएंगे श्री हनुमानगढ़ी बजरंगबली का। देखिए सामने से आप देखेंगे इस जगह पे, देखिए देखिए यहाँ पर हम खड़े हो रहे हैं इस जगह पे, इस जगह पे देखिए एकदम पास से देखिए। और यह कमेंट में जय श्री राम बोलिए, ऊपर देखिए पूरा ऊपर मंदिर सामने देखिए, देखिए देखिए सामने से पूरा देखिए कितना जाम लगा। यहाँ से लेके दूर तक देखेंगे आप, देखिए आप चेक कर सकते हैं यहाँ से सामने से पूरा इस जगह से। देखिए आप सामने देखेंगे, यहाँ से लेकर लगभग भाई साहब लगभग 400-500 मीटर तक लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पर दर्शन करने के लिए हनुमानगढ़ी पर। चलिए हम आपको थोड़ा सा और आगे तक लेकर चलते हैं, जो कि ये भक्ति पथ है। भक्ति पथ पर इसके आगे जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे जो कि ये दर्शन करने के लिए प्रभु श्री राम जी के जो कि मंदिर का जहाँ निर्माण हो रहा है वहाँ तक ये दर्शन पथ बनाया गया है। जन्मभूमि पथ और भक्ति पथ को दोनों जोड़ मिलाया गया है, जो कि दर्शन करने के लिए आते हैं यहाँ पर श्रद्धालु लोग। इसमें भाई साहब डेली लगभग लाखों की संख्या दर्शन कर रहे हैं अयोध्या में, कि अयोध्या धाम में भाई साहब देखिए दर्शन करने के लिए आप डेली यहाँ पर आएंगे तो इस जगह पर दर्शन करने के लिए भाई साहब पूरा आप पूरा रोड लगभग आपको मिलेगा यहाँ पर भरा हुआ, जो कि दर्शन करने के लिए यहाँ पर डेली लाखों की संख्या से भी ज़्यादा आ रहे हैं अयोध्या धाम में। वैसे जब से प्रभु श्री राम प्रतिष्ठा हुआ है उसी के बाद से यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है धीरे धीरे, जैसे जैसे समय बीत रहा है। लगभग 2 महीना होने वाला है यहाँ पर दर्शन करने के लिए भाई साहब, पूरा श्रद्धालु लगभग बहुत बड़ी मात्रा में भाई साहब दर्शन कर रहे हैं इसमें डेली। सो दोस्तों, आप थोड़ा सा जैसे आगे आएंगे हनुमानगढ़ी से तो यहाँ पर सामने आपको देखने को मिल गया एक दशरथ महल भाग के हिसाब से, जो कि राजमहल यहाँ पर इसके अंदर भी भाई साहब बहुत ही प्यारा सा ऐसा आपको देखने को नज़ारा मिलेगा। अगर आप अयोध्या आ रहे हैं तो इस महल के अंदर भी दर्शन करने के लिए जाइए। देखिए यहाँ पर दोनों साइड में देखिए आपको जो कि भाई साहब दर्शन करने के लिए सभी आ रहे हैं। यहाँ पर लगभग जितने भी दुकानें हैं हर दुकान पर लगभग कस्टमर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर भाई साहब, जो कि अयोध्या में दर्शन इस समय अयोध्या धाम जब से हुआ है अयोध्या में दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में देखिए आप जिस तरफ देखेंगे उस तरफ आपको संख्या ज़्यादा से ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। और देखिए जो कि दशरथ महल में देखिए दर्शन करके भाई साहब देखिए आ रहे हैं अंदर से बाहर निकल रहे हैं अयोध्या से। देखिए भाई यहाँ पर सामने से आप चेक कर सकते हैं, जिधर भी आप देखेंगे उस साइड में दोनों साइड में देखिए सब दर्शन करने यहाँ अयोध्या में आ रहे हैं। तो दोस्तों दशरथ महल से जैसे थोड़ा से आगे ही बढ़ेंगे, थोड़ा से आगे आने के बाद ही यहाँ पर भाई साहब जो कि पुराना अमावा राम मंदिर है, अमावा राम मंदिर के पास भाई साहब आपको डेली रोजाना वहाँ पर फ्री भोजन का सुविधा मिलता है। अगर आप अयोध्या आ रहे हैं तो भाई साहब आपको अगर फ्री भोजन खाना है तो अमावा राम मंदिर के पास आइए। और उसी के जस्ट पहले अमावा राम मंदिर के पहले यहाँ पर देखिए कुछ मूर्तियाँ रखी गई हैं, जो कि दर्शन करने के लिए आप यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। देखिए देख सकते हैं आप सामने से, देखिए यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर भी दर्शन कर रहे हैं। देखिए इस जगह पर
देखिए राधा कृष्ण का झूला झूला रहे हैं इस जगह पर। देखिए सामने से आप देखने को पाएंगे, चलिए आगे दिखाते हैं। आगे भाई सर यहाँ पर आप दर्शन करने के लिए जो अयोध्या में आ रहे हैं, तो आप दर्शन करने के लिए आए तो अमावरा मंदिर का, जो कि हम बताए भाई सर यहाँ फ्री का भोजन मिलता है, तो फ्री का भोजन करने के लिए आपको एक टोकन मिलेगा, आपको टोकन लेना पड़ेगा। तो चलिए दिखाते हैं टोकन कहाँ कैसे मिलता है। टोकन आपको ज़रूरी है, उसके बाद ही फ्री का भोजन जो कि मिलेगा। सो दोस्तों यहीं से अमावरा मंदिर की शुरुआत हो जाती है। तो सामने देखिए अमावरा मंदिर का, देखिए आपको एक लोगो दिखाई पड़ेगा, तो यहाँ पर एक छोटी सी मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो चलिए हमें दिखाते हैं आपको, जो कि भाई साहब जो कि बता रहे थे हम आपको फ्री का भोजन अयोध्या में मिलता है जो कि अमावरा मंदिर के पास। तो देखिए हम जो दिखा रहे हैं आपको, दिखाएंगे थोड़ा पास से, देखिए यहाँ पर निर्माण हो रहा है, इसमें थोड़ा बैरिकेडिंग किया गया। सो दोस्तों यहाँ पर देखिए अयोध्या में जो कि अमावरा मंदिर के पास फ्री का भोजन जो कि मिलता है, उसको खाने के लिए जो कि प्रसाद के रूप में खाने के लिए, यहाँ पर देखिए कितने लंबी लाइन लगी है। तो इसके पहले आपको एक टोकन लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपको सामने देखिए राम रसोई निःशुल्क फ्री, कृपया यहाँ से टोकन देखिए, जो कि यहाँ से आपको देखने को मिलेगा और यहाँ से टोकन प्राप्त करने को मिलेगा। इस जगह से पहले आप अपना पूरा एड्रेस बताएंगे, आपको एड्रेस बताने के बाद आपको टोकन दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए यार, चूँकि समय देखिए कुछ इसमें रात्रि भी कुछ बदला हुआ है, तो सामने से आपको देखने को मिलेगा 16:03 से रात्रि में भी राम रसोई की व्यवस्था 7:30 बजे से 9:30 बजे तक रात में भी मिलेगा। देखिए सामने यहाँ पर भी दिया गया है कुछ, देखिए अभी तक दिन में ही व्यवस्था इसका था, तो अब रात में भी कर दिया जाएगा, जो कि भाई साहब आपको दिखाए हम। देखिए यहाँ पर सामने से देखेंगे इस जगह पर, तो लिखिए जो कि भोजन करने के लिए भाई साहब देखिए कितना लंबा लाइन लगाया गया है इस जगह पर। देखिए दो लाइन, एक लेडीज़ का एक जेंट्स का लाइन लगी है यहाँ पर, ये अमावरा मंदिर के पास की इस जगह पर। भाई साहब बहुत ही पुरानी मंदिर है अमावरा मंदिर है अयोध्या धाम में। भाई साहब सुविधा तो बहुत ही ज़्यादा इस समय चल रही है, देखिए आपको अंदर में तो नहीं जाएंगे, बस बाहर से देख समझ जाएंगे आप बाहर से कि अंदर की व्यवस्था कितनी अच्छी है, देख सकते हैं आप।